एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फाइलम विथ सम यूनिक फीचर्स। सो सबसे पहले जो इकाइनोडर्मेटा है, ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है, इकाइनोस एंड डर्मेटा। तो जो इकाइनोस है उसका मतलब होता है स्पाइनी, और जो डर्मेटा है उसका मतलब होता है स्किन। तो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली हम स्पाइनी स्किन या प्रिकली स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। जो ये एनिमल्स हैं, उनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडो मीन्स इंटरनल, तो जो उनका इंटरनल स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है। ये जो कैल्केरियस ऑसिकल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? स्पाइनी अपियरेंस देने के लिए। सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। ये कैल्केरियस ऑसिकल्स एम्बेडेड होते हैं इन द स्किन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द स्पाइनी अपियरेंस। हमने बेसिक इंट्रो वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कॉर्डेट्स हैं, दे आर इवोल्यूशनरी मोर क्लोजर टू इकाइनोडर्म्स। तो इस स्टेटमेंट के प्रूफ में कि जो कॉर्डेट्स हैं वो इवोल्यूशनरी ज्यादा क्लोज हैं इकाइनोडर्म्स के, हमारे पास इसके रिगार्डिंग तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है? दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं, ओके। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स। जो प्रोटोस्टोम्स में है उसमें माउथ पहले बनेगा एंड देन एनस। जो ड्यूटेरोस्टोम्स है उसका मतलब होता है कि पहले एनस की फॉर्मेशन होगी एंड देन माउथ की। एंड एज आई सेड, कॉर्डेट्स इवोल्यूशनरी मोर क्लोजर है इकाइनोडर्म्स के। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ये इवॉल्व हुआ है अलोंग ड्यूटेरोस्टोम इवोल्यूशनरी लाइन। ड्यूटेरोस्टोम्स के अलोंग ये वाली जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इसका इवोल्यूशन हुआ है, इसका डेवलपमेंट हुआ है कॉर्डेट्स में भी और इकाइनोडर्म्स में। ये वाला पॉइंट एक कॉमन है, सिमिलर है। दूसरा है ट्रू सीलोम। दोनों में ही ट्रू सीलोम है, यानी कि दोनों ही इकाइनोडर्म्स भी और कॉर्डेट्स भी दोनों ही यू सीलोमेट्स हैं, यानी कि सीलोम इज मीजोडर्मली लाइंड। लेकिन ये भी दो तरीके के थे, शाइजोसीलोमेट्स एंड एंटेरोसीलोमेट्स। तो ये एंटेरोसीलोम होता है इनके पास। एंटेरोसीलोम का क्या मतलब है? जो मीजोडर्म है वो अराइज हुआ है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट वॉल और एंटेरॉन। एंटेरॉन इज एंटेरो गट। तो जो मीजोडर्म है वो कहां से अराइज हुआ है? गट वॉल से, एम्ब्रियोनिक गट वॉल से अराइज हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि जो इकाइनोडर्म्स हैं या कॉर्डेट्स हैं, इनका मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है। आप ये आगे भी पढ़ोगे, आपने इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं इनफैक्ट, कि जो मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है ये किसमें प्रेजेंट होता है? तो ये इकाइनोडर्म्स में भी प्रेजेंट होता है। एंड एंडोस्केलेटन है किसका बना होगा? कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होगा, और ये कैल्केरियस ऑसिकल्स इकाइनोडर्म्स के केस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गिविंग स्पाइनी अपियरेंस। ओके, सो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ड्यूटेरोस्टोम इवोल्यूशनरी लाइन के अलोंग इवॉल्व हुआ है। दूसरा है, इनके पास एंटेरोसीलोम होता है, मीजोडर्म अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट वॉल। देन मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, एंड इन केस ऑफ द इकाइनोडर्म्स दिस कैल्केरियस ऑसिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दी स्पाइनी अपियरेंस। इसकी वजह से हम इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। Now we will look into the general features. अब सबसे पहला जो general feature है वो है habitat. तो echinoderms जो है they are exclusively marine. ये exclusively क्या है? Marine होते हैं, ये bottom पे मिलते हैं sea surface के, इसी की वजह से इन्हें हम bottom dwellers भी कहते हैं, क्योंकि ये sea surface के bottom पे मिल रहे हैं, they are also known as bottom dwellers. अब उसके बाद हैबिट, कैसी हैबिट है? इसके अंदर कोई भी पैरासिटिक फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? फ्री लिविंग एनिमल्स हैं यहाँ पर। उसके बाद बॉडी सिमेट्री कैसी है? अब इसके अंदर ना दो तरीके से सिमेट्री होगी, आई वॉन्ट राइट ओनली बायलेटरल। लार्वा जो है वो शो करेगा बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, मतलब ये हो गया एक एडवांस्ड फीचर। लार्वा से जो एडल्ट डेवलप होगा वो एडल्ट शो करेगा रेडियल सिमेट्री, इसकी वजह से जो एडल्ट है वो शो कर रहा है प्रिमिटिव फीचर, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री जो है ये एडवांस्ड फीचर है। तो
तो यहाँ पे बॉडी सिमेट्री में लार्वा जो होगा वो शो करेगा बायलेटरल सिमेट्री, और जो एडल्ट होंगे, जो लार्वा से एडल्ट डेवलप होंगे, वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, जो कि प्रिमिटिव फीचर हो गया। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे। उसके बाद जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म एंडोडर्म एक्टोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो हैबिटेट में एक्सक्लूसिवली मेरीन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बॉटम पे मिलते हैं सी सरफेस के, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटम ड्वेलर्स। कोई पैरासिटिक फॉर्म नहीं है, फ्री लिविंग। बॉडी सिमेट्री लार्वा में बायलेटरल होगी, एडल्ट में रेडियल होगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्म लेयर्स में दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो अगला फीचर है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन में क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स अनसेगमेंटेड होते हैं। इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होंगे वो अनसेगमेंटेड होंगे। सीलोम यू सीलोमेट्स होते हैं, यानी कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा, और उसमें भी कैसे होंगे, ये एंटेरोसीलोमेट्स होंगे। एंटेरोसीलोमेट्स का मतलब क्या है, मीजोडर्म अराइजेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट वॉल। बॉडी फॉर्म में क्या आएगा, जो एडल्ट होते हैं वो शो करते हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब पेंटा का मतलब क्या है, पेंटा मीन्स फाइव। तो इस फाइलम की जो भी क्लासेस हैं जिनमें भी आर्म्स प्रेजेंट होंगे, मोस्टली फाइव आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे जो एडल्ट्स हैं वो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। एज वेल एज जितने भी इसमें बॉडी पार्ट्स हैं इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के, वो अरेन्ज्ड होते हैं बॉडी पार्ट्स अलोंग फाइव एक्सिस। फाइव एक्सिस के अलोंग वो अरेन्ज्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बॉडी पार्ट्स फाइव एक्सिस के अलोंग अरेन्ज्ड हैं। अब इनकी जो बॉडी शेप है वो स्टार लाइक हो सकते हैं, जैसे कि स्टारफिश हो गई, या ग्लोब्यूलर हो सकते हैं, जैसे कि सी अर्चिन हो गया, या ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं शेप में, जैसे कि सी कुकुम्बर। आई रिपीट, स्टार लाइक होंगे स्टारफिश, ग्लोब्यूलर होंगे सी अर्चिन, या फिर सिलेंड्रिकल होंगे सी कुकुम्बर। अब हमने देखा कि एंडोस्केलेटन इनका कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है, वो एम्बेडेड है विद इन द स्किन। तो हम इस फाइलम के एनिमल्स को स्पाइनी स्किन एनिमल्स कह रहे हैं, और ये जो कैल्केरियस ऑसिकल्स स्किन में एम्बेड हो रहे हैं, ये स्पाइनी अपीयरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें स्पाइनी स्किन एनिमल्स कहते हैं। ना अब हमने स्पाइन्स की बात कर ली। अब स्पाइन्स के बीच में एक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये पिंसर लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट है इन बिटवीन स्पाइन्स, इसको हम पेडिसिलेरी कहते हैं। ये पिंसर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन बिटवीन स्पाइन्स, जिसे हम पेडिसिलेरी कहते हैं। क्या काम है इसका, क्लीनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, सरफेस को क्लीन अप करने में हेल्प करता है, क्लीनिंग और क्लीनिंग अप ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये उसको साफ रखने में मदद करता है पेडिसिलेरी। अब ये जो है ये बना हुआ है तीन कैल्केरियस प्लेट्स का, और इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, दो कैल्केरियस वेल्व्स। आई रिपीट, दो कैल्केरियस वेल्व्स जो है वो एक जॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमारे पास जॉ है वैसे ही उसमें जो दो कैल्केरियस वेल्व्स हैं वो एक जॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि रेस्ट कर रहा होता है ओवर बेसल कैल्केरियस प्लेट। ठीक है, तो पेडिसिलरी पिंसर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन स्पाइन्स किसमें हेल्प करेगा, क्लीनिंग अप ऑफ सरफेस में हेल्प करेगा। तीन कैल्केरियस प्लेट्स का बना है, प्लस दो कैल्केरियस वेल्व्स जो हैं वो जॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि बेसल कैल्केरियस प्लेट पर रेस्ट कर रहा होता है। फिर आता है वॉटर वेस्क्युलर सिस्टम। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। किसकी मॉडिफिकेशन है, सीलोम की, मॉडिफिकेशन ऑफ सीलोम। सीलोम की मॉडिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, सो इट इज अ सिस्टम ऑफ कैनाल। ये सिस्टम है कैनाल का, इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, मेड्रिकोराइट, जिसे आप सीव प्लेट भी कहते हो, एक होगी स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, देन अलोंग विद रिंग कैनाल रेडियल कैनाल, और साथ में होगा ट्यूब फीट। जो इसके अंदर फ्लूइड है, जो
फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है वो किस फॉर्म में होगा? वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम के लिए तो ऑफकोर्स वॉटर होगा, ठीक है। तो वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम ये बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट फीचर है किसका? एकाइनोडर्म्स का, ये इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक। मॉडिफिकेशन है सिलोम्स का, ये सिस्टम है कैनाल का जो कि वॉटर को फ्लो करने में हेल्प करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक। और किस किस का बना है? मेड्रिकोराइट, स्टोन केनाल, रिंग केनाल, रेडियल केनाल, ट्यूब फीन, ये कॉम्पोनेंट्स है इस वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम के। अब हम लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम कैसा दिखता है। Now we will discuss the structure of water vascular system. Do look at the diagram very carefully. सबसे पहले जो water vascular system है वो किसका बना हुआ है? Perforated plates का बना हुआ है। Entry point है ये perforated plate. Perforated plate को क्या कहते हैं? हाँ, मेट्रीपोराइट। Entry point क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो perforated plate है, perforated means कि pores present है, तो यहां से इन pores के through sea water enter करेगा। Do note down water pathway, ये important है, MCQs में पूछते हैं, तो arrow लगाकर आप इसको note कर सकते हो। सबसे पहले sea water आएगा, pores के through जो कि मेड्रिपोराइट के अंदर present है, जिसकी वजह से हम इसे perforated plate कह रहे हैं, वहां से water enter करेगा। आप बिल्कुल diagram के top left में देखो, वहां पर एक छोटी सी canal दिखाई हुई है मेड्रिपोराइट से attached। मेड्रिपोराइट को आप ऐसे consider कर लो उल्टा मशरूम, ठीक है। वहां से एक छोटी सी canal दिखाई है, that is stone canal। stone canal से जो water है it is entering into ring canal। ring canal जो है ये pentamerous है, मतलब इसकी पांच openings present है, हर एक एंगल पे, हर एक पॉइंट पे ring canal open अप हो रहा है इनटू रेडियल कैनाल। आपको ये लंबी लंबी ट्यूब्स दिख रही हैं, जो कैनाल्स दिख रही हैं, ये क्या है? रेडियल कैनाल है। तो सबसे पहले सी वाटर मेड्रिपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल इज पेंटामेरिस। जो रेडियल कैनाल है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इकाइनोडर्म्स है इनमें मोस्टली फाइव आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो रेडियल कैनाल है वो एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ईच आर्म, ठीक है। तो वाटर मेड्रिपोराइट से स्टोन केनाल से रिंग केनाल से रेडियल केनाल में जाएगा। रेडियल केनाल से आपको छोटी छोटी और लेटरल केनाल्स निकलती हुई दिख रही हैं, और लेटरल केनाल्स किस में एंड अप हो रही हैं? ट्यूब फीट में। अगर सिंगुलर होगा तो ट्यूब फुट होगा। ट्यूब फीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्यूब लाइक अपेंडेज होती है, ठीक है, दे आर ट्यूब लाइक अपेंडेजेस, और ये डबल रो में अरेंज्ड होती हैं। आर्म, हर एक आर्म में जो ट्यूब फीट हैं दे आर अरेंज्ड इन डबल रो। अब अगर आप इसी डायग्राम का टॉप मोस्ट पार्ट देखोगे, जहां पे एम्पुला, पोडियम, सकर लिखा है, ये तीनों क्या हैं? ये तीन रीजन्स हैं किसके? ट्यूब फीट के। जो एम्पुला है ये राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एम्पुला कहते हैं, एक मिडल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पोडियम कहते हैं, और नीचे एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, पोडियम का लोअर एंड, उसे सकर कहते हैं। तो पहले एम्पुला, देन पोडियम, एंड फाइनली सकर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिंपल वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का आप पाथ बताओ क्या होगा, तो यू विल से सबसे पहले पानी मेट्रिपोराइट से आएगा, स्टोन केनाल में जाएगा, वहां से रिंग केनाल में जाएगा, रिंग केनाल से रेडियल, रेडियल केनाल से लेटरल केनाल, एंड द वाटर विल एंड अप इन द ट्यूब फीट। और ट्यूब फीट के क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। पहला फंक्शन जो इसका है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प कर सकता है ये? जो ट्यूब फीट होते हैं, हमने बताया ना ट्यूब फीट के बारे में अभी, कि उसके भी तीन पार्ट्स है, तो जो ट्यूब फीट होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये जो ट्यूब फीट है ये इक्विवेलेंट है, एक तरीके से सिमिलर वे में काम करता है टू दैट ऑफ द गिल्स। क्यों गिल्स यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो ट्यूब फीट होते हैं इनके पास जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। बहुत ही थिन सरफेस होता है जिसके थ्रू जो गैशियस एक्सचेंज है वो इजी हो जाता है। तो ये वाटर से ऑक्सीजन को लेते हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को इसी ट्यूब फीट के बॉडी, मतलब इसी ट्यूब फीट के सरफेस के थ्रू रिलीज कर देते हैं। सो जो ट्यूब फीट है इक्विवेलेंट टू गिल्स, थिन सरफेस है, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, और क्या कर रहा है ये? ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहा है। दूसरा जो फंक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन भी किसके थ्रू हो रहा है? ट्यूब फीट के थ्रू हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये लोकोमोशन कैसे कर रहे हैं? जो ट्यूब फीट होता है ये क्या करेगा? एडहेर करेगा और रिलीज होगा। कहां से? सबस्ट्रेटम से, जिस भी सरफेस पर। वैसे तो ये इकाइनोडर्म्स क्या है? बॉटम ड्वेलर्स, सी सरफेस पर रहते हैं, उसके बॉटम में रहते हैं। तो जो ट्यूब फीट
सब्सट्रेट है, इसकी मदद से जिस भी सब्सट्रेटम पर ये ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं वहां पर अटैच होंगे, वहां से रिलीज होंगे, वहां पे अटैच होंगे, वहां से रिलीज होंगे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वॉटर। इनके पास जो वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम है, दिस इज इक्विवेलेंट टू सर्क्यूलेटरी सिस्टम। पानी का क्या हो रहा है, जो वॉटर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक सिलुमिक फ्लूइड की तरह काम कर रहा है जो कि इन एंड आउट ऑफ द बॉडी मूव कर रहा है। तो जब वॉटर की एंट्री और एग्जिट होगी उसके बेसिस पे सबस्ट्रेटम से जो ट्यूब फीट है या तो वो अटैच होगा या फिर वो रिलीज होगा। ऑल्टरनेटिवली ऐसे काम करेगा, अटैच रिलीज और ऐसे ही धीरे धीरे आगे मूव करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ट्यूब फीट का, लोकोमोशन। ट्यूब फीट रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, अपने थिन सर्फेस से गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। ट्यूब फीट ऑल्टरनेटिवली अडहर करके और रिलीज करके फ्रॉम द सबस्ट्रेटम ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वॉटर, ऑन द बेसिस ऑफ कैसे पानी आ रहा है और जा रहा है उसके बेसिस पे, कब आ रहे कब जा रहे, मतलब एंट्री एग्जिट के बेसिस पे, ये लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं। अब जो थर्ड फीचर है वो है कैप्चर ऑफ फूड। तो कैप्चरिंग ऑफ फूड में कौन हेल्प कर रहा है? आर्म्स और ट्यूब फीट। आप देख रहे हो ट्यूब फीट कितना इंपॉर्टेंट है। ट्यूब फीट ऑलमोस्ट तीनों फंक्शंस में है, ट्यूब फीट रेस्पिरेशन में भी है, ट्यूब फीट लोकोमोशन में भी है, ट्यूब फीट कैप्चर ऑफ फूड में भी है। तो जो आर्म्स और ट्यूब फीट है ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको एक प्रॉपर पोजीशन में पकड़ने का काम करते हैं, और उसके बाद दैट फूड इज बीइंग टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ द इकाइनोडर्म्स। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आर्म्स और ट्यूब फीट उसको होल्ड कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन में रख रहे हैं, एंड देन इट इज बीइंग टेकन इन द बॉडी। अब आते हैं हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। ये हीमल और पेरीहीमल सिस्टम क्या है? यहां पे कोई प्रॉपर ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा हुआ? ओपन टाइप हुआ। इसी वजह से, क्योंकि यहां पे कोई ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं है, यहां पे जो ब्लड है अगर वो बिना विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बिना किसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के है, प्लस यहां कोई हार्ट नहीं है, ठीक है, तो इसी की वजह से इनका कोई प्रॉपर एज सच ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं है, तो ओपन टाइप है, ठीक। और अगर जो ब्लड है वो बिना रेस्पिरेटरी पिगमेंट के है, यहां पे कोई हार्ट भी प्रेजेंट नहीं है, हार्ट की एब्सेंस है। अब अगला फीचर कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इनका? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब इनके पास सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज प्रेजेंट अलोंग डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अलोंग होता है। अब यहां पर जो माउथ है वो कहां प्रेजेंट होता है? लोअर सरफेस यानी वेंट्रल सरफेस पर माउथ प्रेजेंट होगा, और जो एनस है वो कहां प्रेजेंट होती है? डोर्सल सरफेस यानी कि अपर सरफेस पर प्रेजेंट होगी। तो जो माउथ है वो वेंट्रल सरफेस यानी लोअर पे प्रेजेंट है, और जो एनस है वो डोर्सल सरफेस यानी अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की सेपरेट ओपनिंग्स है, कंप्लीट है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के लॉन्ग है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहां पर एब्सेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया, इस पे काफी एमसीक्यूज बनते हैं, कौन सा सिस्टम इकाइनोडर्म्स में एब्सेंट होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है तो वेस्ट कैसे एक्सक्रीट आउट होगा? जो भी बॉडी टिश्यूज हैं वो सारा वेस्ट कलेक्ट करेंगे और सिलोमिक फ्लूइड में डाल देंगे, वहां से फाइनली जो भी वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, बॉडी टिश्यूज से सारा वेस्ट कलेक्ट होके सिलोमिक फ्लूइड में जा रहा है, एंड फ्रॉम देयर फाइनली द वेस्ट इज बीइंग एलिमिनेटेड आउट। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे हैं? मोस्टली ये डायोशियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस सेपरेट हैं। और कैसी रिप्रोडक्शन शो करते हैं? ये सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ऑफकोर्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जो मेच्योर स्पर्म और ओवा है, जो मेच्योर गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों के, वो वाटर में जाते हैं, वहां पे फाइनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट, हमने सबसे पहला फीचर बॉडी सिमेट्री में पढ़ा था कि लार्वा
बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं, एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं, जब लार्वा आ रहे हैं तो ऑफकोर्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जहां भी लार्वल डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, तो इनके पास लार्वल डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर डायोशियस, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. हियर वी एंड अप विद ऑल द जनरल फीचर्स. नाउ वी विल बिगिन विद द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन एकाइनोडर्म्स फाइव क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है. पहली क्लास है एस्टेरॉइडिया. एस्टेरॉइडिया को अब आप वापस ये ग्रीक वर्ड्स का मिलके बने, आप इसको ब्रेक करो तो जो एस्टर होता है उसका मतलब है स्टार, और जो इडॉस है उसका मतलब होता है फॉर्म, ठीक है. एस्टर मीन्स स्टार एंड इडॉस मीन्स फॉर्म. तो ये क्लास के जितने एनिमल्स हैं वो स्टार फॉर्म के होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं, ठीक. तो एक तो इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट और स्टार लाइक होगी, पांच आर्म्स प्रेजेंट होते हैं और प्रॉपरली डीमार्केटेड, मतलब अलग से ऐसे शार्पली मार्क्ड ऑफ नहीं होते, फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, जो सेंट्रल जो मेन बॉडी है सेंट्रल डिस्क है, वैसे आपको इसमें मोस्टली फाइव आर्म्स देखने को मिलेंगे, बट दे आर नॉट प्रॉपरली मार्क्ड ऑफ और डीमार्केटेड फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क. उसके बाद ऑटोटोमी. ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ. तो ये क्या करते हैं, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स उसको शेड कर देते हैं, ठीक है. तो दे हैव द एबिलिटी टू शेड ऑफ पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी. क्लियर? ऑटोमी की डेफिनेशन क्या हुई? द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू शेड ऑफ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. ऑटो मीन्स सेल्फ, दिस इज ऑटोटोमी, और ये एस्टेरॉइडिया का इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है. इसे मार्क कर लेना, ये एस्टेरॉइडिया का इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अलग से मार्क किया है. अब इसके पास भी दो सर्फेसेस हैं, ओरल एंड एगोरल. सर्फेस का नाम ही अपने आपको एक्सप्लेन कर रहा है. ओरल सर्फेस है तो माउथ और एम्बुलेक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, अगर एगोरल सर्फेस है तो उसपे एनस और मेड्यूपोरा प्रेजेंट होगा. रेस्पिरेशन डर्मल ब्रैंकिए और ट्यूब फीट के थ्रू होगा. ट्यूब फीट का फंक्शन हम वाटर वेस्क्युलर सिस्टम में पढ़ी चुके हैं कि उसके पास थिन वॉल्स होती है, थिन सरफेस है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं. स्पाइन्स यहां शॉर्ट होंगे, पेडिसिलिन यहां प्रेजेंट होंगे, और क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा तो होगा ही. अब ये लार्वल फॉर्म्स हर एक क्लास की याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पे भी बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि सो एंड सो लार्वा बिलोंग्स टू विच क्लास, या कोई लार्वा ऐसा है जो कि कॉमन हो रहा हो किसी दो क्लासेस में, इफ तो इसीलिए लार्वल फॉर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है. इस पर्टिकुलर क्लास के तीन लार्वाज हैं, डाइप्लूरुला, बाइपिनेरिया एंड ब्रेक्यूलेरिया, ठीक है. इस क्लास के तीन लार्वाज हैं, डाइप्लूरुला, बाइपिनेरिया एंड ब्रेक्यूलेरिया. एग्जाम्पल्स क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके. पहला एग्जाम्पल है एस्टीरियास, पेंटासिरोस एंड एस्ट्रोपेक्टन. साइंटिफिक नेम्स अंडरलाइन करोगे, पहला लेटर कैपिटल, स्टारफिश कॉमन नेम हो गया, ठीक है. तो एस्टेरॉइडिया, ग्रीक वर्ड्स एस्टर, स्टार, इडॉस, फॉर्म, और ये इसके इंपॉर्टेंट सारे फीचर्स. लार्वल फॉर्म्स सबकी याद रखोगे, डाइप्लूरुला, बाइपिनेरिया, ब्रैक्यूलेरिया, ये इसके लार्वल फॉर्म्स हैं. उसके बाद ऑटोटोमीज का एक स्पेशल फीचर है. अब हम सेकेंड क्लास देखेंगे. सेकेंड क्लासेस ऑफ यूरोइडिया तीन ग्रीक वर्ड्स का बना है. ऑफिस मीन्स स्नेक, यूरा मीन्स टेल एंड एडॉस मीन्स फॉर्म. सो जो ऑफियोरॉइडिया है उसके ये फीचर्स हैं. पहला है बॉडी फ्लैट स्टार लाइक होगी, आर्म्स शार्पली मार्क्ड ऑफ होंगे, डिमार्केटेड होंगे फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, जो कि फीचर एब्सेंट है इन द केस ऑफ द एस्टेरॉइडिया. दूसरा, यहां ओरल सर्फेस पे माउथ और मेड्यूपोराइट है. एस्टेरॉइडिया के केस में मेड्यूपोराइट की जगह एम्बुलेक्रल ग्रूव था, यहां पे माउथ के साथ मेड्यूपोराइट प्रेजेंट है, ठीक है, और एनस और एम्बुलेक्रल ग्रूव यहां पर एब्सेंट है. फिर स्पाइन्स शॉर्ट है, पेडिसिलरी एब्सेंट है. तो इस क्लास में तीन चीजें एब्सेंट है, पेडिसिलरी एब्सेंट, एनस एब्सेंट, एम्बुलेक्रल ग्रूव एब्सेंट. उसके बाद लार्वा यहां पर एक ही है, वहां पे तीन थे, डाइप्लूरेरिया, डाइप्लूरुला, बाइपिनेरिया, ब्रेक्यूलेरिया. यहां पर क्या है लार्वा? ऑफियोप्लूटियस, ठीक है. अब ये जो क्लास है, इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स को ब्रिटल स्टार कहते हैं, जैसे उनको स्टारफिश कहते हैं, इसको ब्रिटल स्टार कहते हैं. इसके तीन एग्जांपल्स हैं, ऑफियोथ्रिक्स, ऑफियोरा एंड ऑफियोकोमा, ठीक है. तो ये ऑफियोरोइडिया के बारे में था.
थर्ड क्लास इज एकिनोइडिया. ग्रीक वर्ड्स एकाइनोस हेजहॉग इडोस मींस फॉर्म. ठीक है, टर्म को ब्रेक करोगे तो आपको इजी हो जाता है याद करने में कि कैसे शेप के ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो अभी तक हमने दो क्लासेस पढ़ी, उसमें स्टार लाइक थे. ठीक, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्लोबुलर या डिस्क लाइक है, ना फ्लैट है ना स्टार लाइक है, ग्लोबुलर और डिस्क लाइक है. ओरल सरफेस पे माउथ है और यहां पर एक स्पेशल फीचर, जैसे एस्टेरॉइड के लिए हमने ऑटोटॉमी पढ़ा था, यहां पे स्पेशल फीचर है एरिस्टोटल लैंटन. एरिस्टोटल्स लैंटन क्या है, ये एक बाइटिंग और च्यूइंग अपैरेटस है विद टीथ. ठीक है, ये एक बाइटिंग और च्यूइंग अपैरेटस है विद टीथ. तो ये बाइटिंग और च्यूइंग अपैरेटस है along with the teeth. This is Aristotle's lantern. और ये exclusive feature है किसका, important feature है Echinoidea class का. अब यहां पर एक और important feature है, अभी तक आपने Asteroidea और Ophiuroidea में देखा कि arms present है. Asteroidea के case में they are not demarcated from the central disc, Ophiuroidea में वो अलग से proper demarcated है. यहां पर क्या है, arms है ही नहीं, arms absent है. तो आर्म्स और एम्बुलेक्रल ग्रूव क्या है, एब्सेंट. एबोरल सरफेस पर एनस और मेट्रिकुराइटर लाइक दैट ऑफ दी एस्टेरॉइडिया. स्पाइंस मे बी स्मॉल और लार्ज, दोनों केसेस में, पहले दोनों क्लासेस में क्या था, स्मॉल स्पाइन थे, यहाँ पे स्पाइंस या तो छोटे होंगे या तो बड़े होंगे. पेडिसिलरी प्रेजेंट होगा. लार्वा एकाइनोप्रोटियस, लार्वा को याद करने का तरीका बहुत आसान हो गया, जैसा क्लास का नाम है वैसे आप लार्वा को याद कर सकते हो. ऑफिरोइडिया के केस में ऑफियो प्लूटियस था, एस्टेरॉइडिया को आपको याद करना ही पड़ेगा, डाइपिल्यूरुला बाइपिनेरिया ब्रेक्यूलेरिया. ठीक है, डाइपिल्यूरुला बाइपिनेरिया ब्रेक्यूलेरिया, तो ये साथ साथ रिवाइज करते रहो. ठीक है ना, लार्वा रोज रोज भी करोगे आप लोगों को याद हो जाएगा. ये तो इजी हो गया याद करना. एकिनोइडिया क्लास है, लार्वा एकिनो प्लूटियस होगा. ऑफिरोइडिया क्लास है, लार्वा ऑफियो प्लूटियस होगा. अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स और उनके कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम्स को सबको अंडरलाइन करोगे. एकाइनस कॉमन नेम इज सी अर्चिन, क्लाइपिस्टर केक अर्चिन, एकाइनो अराकिनस सैंड डॉलर, एकाइनो कार्डियम, कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट, तो दिस इज हार्ट अर्चिन. ठीक है, तो एकाइनस एंड सी अर्चिन, क्लाइपिस्टर मैंने ऐसे किया था, क्लाइपिस्टर सी इज फॉर केक, सी से केक है तो मैंने ऐसे याद किया, थोड़ा फनी है बट यू कैन ट्राई दैट. क्लाइपिस्टर है तो केक अर्चिन, सी सी. देन एकाइनो अराकिनस सैंड डॉलर, कार्डिया रिलेटेड टू हार्ट, तो एकाइनो कार्डियम इज हार्ट अर्चिन. So this was all about the Echinoidea. Now fourth class. Fourth class किसकी है, होलोथ्यूरोइडिया. अब ग्रीक वर्ड में दो ग्रीक वर्ड्स का मिलके बने, होलोथ्यूरियन और इडोस. होलोथ्यूरियन इज सी कुकुम्बर, इडोस इज फॉर्म. नाउ सी कुकुम्बर है तो एक आइडिया लग गया कि इस क्लास में जो भी हम बात करेंगे वो कुकुम्बर शेप से रिलेटेड करेंगे. कुकुम्बर कैसा दिखता है, सिलेंड्रिकल दिखता है. कुकुम्बर होता है ना खीरा, कैसा दिखता है, सिलेंड्रिकल दिखता है. तो जो इनकी बॉडी है कैसी होगी, इलोंगेटेड, लंबा होता है खीरा और सिलेंड्रिकल होता है. शेप से रिलेट करके याद हो गया, होलोथ्यूरियन सी कुकुम्बर, कुकुम्बर को दिमाग में लेके चलो अब उससे रिलेटेड पढ़ लेना. फिर एनस यहां पे एब्सेंट होती है. ओरल एंड पे माउथ है विच इज बींग सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. क्लियर, ये वाला फीचर अभी टेंटिकल्स वाला पहले तीन क्लासेस में नहीं आया, यहां है कि माउथ टेंटिकल्स से सराउंडेड है. हर एक क्लास का अपना एक यूनिक फीचर है, अगर आपको वो भी याद हो गया आपको पता चल जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हर एक क्लास को. इसके बाद एबोरल एंड पर एनस है और मेट्रिकोराइट इंटरनल है. अभी तक मेट्रिकोराइट भी इंटरनल किसी क्लास में नहीं आया, किसी किसी के एक क्लास में तो यह आया कि एनस और मेट्रिकोराइट है ही नहीं, एक क्लास में आया कि आर्म्स और एम्बुलेक्रल ग्रूव्स नहीं है. ठीक, यहां पे क्या है, एबोरल एंड पर एनस है और जो मेट्रिकोराइट है वो इंटरनल है. उसके बाद जो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं, स्पाइंस हैं, पेडिसिलरी है, ये सब इसमें एब्सेंट है. ठीक है, लार्वा ऑरिक्यूलेरिया है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, लार्वा इज ऑरिक्यूलेरिया. अभी मैंने आप लोगों से कहा ये पूरी क्लास सी कुकुम्बर से रिलेटेड है, कुकुम्बर को दिमाग में रखो. तो यहां पे पहला एग्जाम्पल है होलोथ्यूरिया, होलोथ्यूरोइडिया, एग्जाम्पल इज होलोथ्यूरिया. ग्रीक वर्ड होलोथ्यूरियन मीन्स सी कुकुम्बर, तो इसका कॉमन नेम याद करना आसान हो गया, सी कुकुम्बर. सब कुछ रिलेटेबल है, रटने की जरूरत ही नहीं है. लास्ट है कुकुमेरिया, कुकुम्बर से रिलेटेड है, ये थोड़ा वापस फनी सा लगा मुझे बट मैंने कर लिया था, इसे आप ट्राई कर सकते हो.
कि कुकुमेरिया इज रिलेटेड टू कुकुम्बर, सो सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया भी इसका एग्जाम्पल है. तो होलोथीरोइडिया इज ऑल अबाउट सी कुकुम्बर, बॉडी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होगी लाइक कुकुम्बर. उसके बाद एनस एब्सेंट है, ओरल एंड पे माउथ है. उसके बाद एबोरल एंड पर एनस है, मेड्रिपोराइट इंटरनल है, लार्वा ऑरिक्यूलेरिया है, और ये सारी चीजें एम्बुलेटरल ग्रूव, स्पाइन, पेडिसिलरी सब इसमें एब्सेंट है, और ये दो इसके एग्जाम्पल्स है. डू रिमेम्बर ऑल द साइंटिफिक नेम्स विद देयर कॉमन नेम. ठीक है, जैसे एस्टीगियोइडिया में आप लोगों को दिख गया था कि स्टारफिश है, और फिरोइडिया इज ऑल अबाउट ब्रिटल स्टार. थर्ड आप लोगों ने एक्नोइडिया के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सी अर्चिन और केक अर्चिन, हार्ट अर्चिन ये सब पढ़ा. अब ये क्या है, ये सी कुकुम्बर की क्लास है. लार्वा याद रखोगे, उसके पहले तीन क्लासेस के क्या लार्वा है, इसका क्या लार्वा है. लार्वा स्पेशल फीचर्स, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनिमल किंगडम के इन लार्वा बेसिस और कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम्स वगैरह से रिलेटेड. फिफ्थ क्लास इज क्रिनोइडिया, द फिफ्थ एंड द लास्ट क्लास. क्राइनन इज लिली एंड इडोसिस फॉर्म. क्राइनन एंड इडोस्ट्रोम ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं. इसका मतलब क्या है कि इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली हम फेदर स्टार्स या सी लिलीज कहते हैं. ठीक है, अब इनकी जो बॉडी है उसमें सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट है, बट वो कैसे है, अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से. ठीक, यहाँ पे आर्म्स कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं. इन द केस ऑफ एक्नोइडिया एंड होलोथीरोइडिया हमने पढ़ा कि आर्म्स हैं ही नहीं, यहाँ पे आर्म्स हैं और ब्रांच्ड हैं. एस्टेरॉइडिया में आर्म्स प्रेजेंट थे बट दे आर नॉट डिमार्केटेड फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क. और फिरोइडिया में पढ़ा कि आर्म्स हैं एंड दे आर डिमार्केटेड फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क. यहां सेंट्रल डिस्क सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है और आर्म्स ब्रांच्ड हैं. ओरल सरफेस पे माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है. ये भी यूनिक इसी क्लास में और है कि एनस जो है वो ओरल सरफेस पे प्रेजेंट है. एम्बुलेटरी ग्रूव्स प्रेजेंट है. स्पाइन्स, पेडिसिलरी, मेड्रिपोराइट ये सब एब्सेंट है. यहां पर लार्वा जो है वो क्या है, डोलियोलेरिया. आई एम अगेन रिपीटिंग इन ईच एंड एवरी लेक्चर एंड क्लास कि जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं. ठीक है, उसके बाद एंटीडॉन, ये साइंटिफिक नेम है और इसको क्या कहते हैं कॉमनली, फेदर स्टार सी लिली. तो इस क्लास के बारे में, क्रिनोइडा के बारे में क्या पढ़ा, एक तो इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली आप फेदर स्टार्स या सी लिलीज कहोगे क्योंकि ये लिली फॉर्म होते हैं. ठीक है, उसके बाद बॉडी में सेंट्रल डिस्क, बॉडी के पास सेंट्रल डिस्क है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है. जो आर्म्स है वो ब्रांच्ड है. एनस जो है वो ओरल सरफेस पे प्रेजेंट है और एम्बुलेटरल ग्रूव्स प्रेजेंट है. स्पाइन, पेडिसिलरी, मेड्रिपोराइट सब कुछ एब्सेंट है एंड द लार्वा इज डोलियोलेरिया. हियर वी एंड अप विद द क्लासिफिकेशन पार्ट. यहां हमने फाइलम एकाइनोडर्मेटा कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेमिकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे. After hemichordata, we will be completed with the non-chordates. सारे non-chordates के फाइलम हमारे complete हो जाएंगे hemichordates discuss करने के बाद. ठीक, again मैं आप लोगों को इस lecture के end में practice question दूंगी. As usual lecture से related, उन questions से related, previous किसी भी lecture से related कोई भी doubt है आप comment section में मुझसे पूछ सकते हो. डिस्क्रिप्शन में मेल प्रोवाइड करूंगी, आप उसमें भी पूछ सकते हो. इवन मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगी जिसमें मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, आप उनको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो. जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ कॉर्डेट्स आर इवोल्यूशनरी क्लोजर टू एकाइनोडर्म्स, इसका डिस्कशन मैंने फर्स्ट लेक्चर बेसिक इंट्रो में किया था. तो आप एक बार उसको सब कुछ रिवाइज कर सकते हो. कोई भी डाउट हो बी फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन और थ्रू मेल. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Keep learning, keep working. So here you have your practice questions. Do look at them in case you have any doubt from the question part or from the lecture. Please be free to ask in the comment section or you can contact me through mail. In the last lecture, that is of the hemichordates, I'll provide you with all the answers of the remaining phylums. जिस भी phylum के आप लोगों को मैंने answers नहीं दिए थे उन सबके answers भी provide कर दूंगी by the last lecture of non-chordates. So guys, keep learning, keep working and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.